नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। बच्चों, जैसा कि हम पिछली कक्षा में मात्राएं, शब्द और वाक्यों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो उसी से संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसके लिए तैयार हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरा पहला प्रश्न है, निशा किताब पढ़ रही है। फिर से, निशा किताब पढ़ रही है। तो बताइए, किताब शब्द के क में कौन सी मात्रा लगी है? बताइए, किताब शब्द के क में कौन सी मात्रा लगी है? अर्थात छोटी की मात्रा। शाबाश बच्चों, मेरा दूसरा प्रश्न है, हाँ जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, दिए गए वर्णों को सही क्रम में लगाइए। आपको कुछ वर्ण दिए जा रहे हैं, म, क, च। इन दिए गए वर्णों से बच्चों आपको एक सही शब्द बनाना है। ठीक है, तो बनाइए सही शब्द। वर्ण है आपके पास म, क और च। हाँ जी, तो सही शब्द क्या बनाया आपने? च म क, चमक। बहुत अच्छे बच्चों। मेरा तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर एक सही वाक्य बनाइए। ठीक है, तो कुछ आपको मैं शब्द बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और उन शब्दों को से आपको एक सही वाक्य बनाना है। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। जाता हूँ मैं विद्यालय, जाता हूँ मैं विद्यालय। अब आपको एक सही वाक्य बनाना है। ठीक है, बनाइए सही वाक्य। मैं विद्यालय जाता हूँ। फिर से, मैं विद्यालय जाता हूँ। बहुत अच्छे। अच्छा बच्चों, तो अब मेरे को ये पता चल गया कि आपने दोहराई कार्य किया था, है ना? तो इसका मतलब आप पढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे नए अध्याय के बारे में। ठीक है, तो हमारे नए अध्याय का क्या नाम है आज आप ये बताएंगे। ठीक है, ये आपको ही बताना होगा कि हमारे नए अध्याय का क्या नाम है। लेकिन इसको बताने से पहले कुछ प्रश्न पूछती है मैम आपसे। ठीक है, और उन प्रश्नों के उत्तर में ही उसका नाम है। किसका? हमारे आज के अध्याय का। ठीक है बच्चों, चलिए बताइए मेरे हाथ में क्या है? किताब। क्या है मेरे हाथ में? किताब। ठीक है बच्चों, अच्छा अब ये बताइए, ये हरे रंग का क्या है? क्या है ये हरे रंग का? हाँ जी, हरे रंग का श्याम पट है। अच्छा अब ये बताइए, ये जो मैम ने लिखा है ये किसकी सहायता से लिखा है? किसकी सहायता से ये लिखा है मैम ने बताइए? चौक। चौक की सहायता से लिखा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूल में। बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, अच्छा एक बात और बताइए कि आप जब स्कूल जाते हैं तो वहां आपको कौन कौन पढ़ाते हैं? स्कूल में जाते हैं ना, तो आपको कौन कौन पढ़ाते हैं वहां पर? हाँ जी, अध्यापक व अध्यापिकाएं। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। अब ये तो बताइए, आपने ये बहुत सारे शब्द सुने, किताब, चौक, श्याम पट, अध्यापक व अध्यापिकाएं, स्कूल, ये सारे शब्द क्या हैं? क्या है ये जो मैंने इसको बोला श्याम पट, क्या है ये श्याम पट? इस चीज का नाम है। बहुत अच्छे, मतलब कि इसका नाम है श्याम पट और इसका क्या नाम है? किताब। यानी कि मैंने जो भी शब्द बोले उन शब्दों का अपना कोई ना कोई नाम है ना बच्चों? अपना कोई ना कोई नाम है ना, आपका भी तो कोई नाम होगा। हाँ जी, ठीक है बच्चों, तो ये जो नाम हमने बोले हैं
ये सभी नाम को हम किसी और नाम से भी जानते हैं। आप बताएंगे आज हमारा क्या विषय है, क्या पढ़ने वाले हैं हम? जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? संज्ञा। क्या पढ़ने वाले हैं हम? संज्ञा मतलब कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? नाम। बच्चों, नाम कहो या फिर संज्ञा कहो, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। बच्चों आप फिर से एक बार दोहराएं हम इसे, ठीक है? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। बच्चों देखा आपने, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, आदि मतलब और भी बहुत सारे नाम है जिनका बोध कराया जाता है, ठीक है? और इन सब को हम क्या कह रहे हैं? संज्ञा कह रहे हैं, ठीक है? अच्छा बच्चों, हमने ये तो जान लिया कि संज्ञा क्या है। अब संज्ञा के प्रकार भी होते हैं, है ना? संज्ञा के प्रकार भी होते हैं, संज्ञा के नाम के, एक ही बात है ना, संज्ञा कहो या फिर नाम कहो। जी हाँ, तो संज्ञा के प्रकार होते हैं, सबसे पहले व्यक्तियों के नाम, ठीक है? व्यक्तियों के भी नाम होते हैं, जैसे कि देखो नेहा, रचित, पिता, व्यक्ति है ना ये, नेहा किस लड़की का नाम है, रचित किसी लड़के का नाम है, और पिता, पिता आपके पिता यानी कि जो आपके पापा हैं, ठीक है, वो हम उनको, उनके लिए एक नाम है, क्या नाम है? पिता, ठीक है? अगला है बच्चों पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, शेर, मोर, गाय, है ना? फिर से शेर, मोर, गाय। देखें अपने आसपास कहीं पशु देखे हैं, कोई पक्षी देखे हैं? पशु जानवर, ठीक है? तो कोई ना कोई आपने भी देखा होगा, बताइए कोई एक नाम मुझे किसी एक पशु का। चीता, बहुत अच्छे, हाँ जी चीता भी होता है, ठीक है? अच्छा इसी तरह एक पक्षी का नाम भी बताइए, मैंने आपको बताया ना मोर, आप एक पक्षी का नाम बताइए, पक्षी कौन से होते हैं, है ना? हाँ जी, तो बताइए फिर तोता, बहुत अच्छे बच्चों, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? अगला है वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम, मेज, कुर्सी, किताब, फिर से मेज, कुर्सी, किताब, ये क्या है हमारी वस्तुओं के नाम। बच्चों अपने आसपास ही आप बहुत सारी वस्तुएं देख पा रहे होंगे, है ना? जैसे कि हम देख पा रहे हैं शामपट, दिख रहा है आपको ये किताब, है ना? सब कुछ जो भी ये चीजें हम देख पा रहे हैं वो सभी वस्तुएं कहलाती हैं, वो सभी वस्तुओं के नाम के अंतर्गत आती है, ठीक है? अगला है बच्चों स्थानों के नाम, स्थानों के नाम, जगह के नाम, ठीक है? जैसे कि पार्क, पुस्तकालय, मंदिर, फिर से पार्क, पुस्तकालय, मंदिर। चलिए आप बताइए किसी एक स्थान का नाम, बताइए। हाँ जी, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले भी, स्कूल, शाबाश, विद्यालय, ठीक है बच्चों? तो आप तो बहुत होशियार हो गए हैं, है ना? और आपको अच्छे से समझ भी आ रहा है कि मैम आपको जो भी पढ़ा रही है, ठीक है? तो हमने ये जाने कुछ नाम, इन नामों के अलावा भी बच्चों और भी बहुत सारे नाम होते हैं, है ना? ठीक है, तो कुछ और नामों के बारे में भी जाने, चलिए आइए। अब है कुछ और नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम यानी कि वार के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। शाबाश बच्चों। बच्चों एक बात बताइए मुझे, सबसे पहला वार कौन सा आता है, बताइए?
सबसे सप्ताह का सबसे पहला दिन कौन सा होता है? हाँ जी, सबसे पहला दिन कौन सा है? सोमवार। और आखिरी दिन? रविवार। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। महीनों के नाम, महीनों के नाम, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगी कि महीनों के नाम में दूसरा महीना कौन सा होता है? महीनों के नाम में दूसरा महीना कौन सा होता है? हाँ जी, सोचिए। नहीं आता? आता है तो बताइए जल्दी से। फरवरी। जी हाँ, दूसरा महीना कौन सा होता है? फरवरी। अच्छा, आखिरी महीना कौन सा होता है? आखिरी महीना कौन सा होता है? दिसंबर। बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है। चलिए एक बार हम पढ़ते हैं महीनों के नाम को, आप मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियों के नाम, कुछ और नाम भी है हमारे पास, नदियों के नाम, ठीक है। नदियों के नाम में देखिए कुछ उदाहरण है हमारे पास, गंगा, यमुना, गोदावरी, ठीक है बच्चों। क्या नाम है? गंगा, यमुना, गोदावरी, ठीक है। फिर है हमारे पहाड़ों के नाम। देखें आपने पहाड़ देखे हैं? अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो पहाड़ों के नाम में हमारे पास हिमालय, अरावली, सतपुड़ा। पहाड़ों के नाम में क्या है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा। बच्चों ये आपको कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे नाम होते हैं हमारे पहाड़ों के, नदियों के, ठीक है। फिर आगे है इमारतों के नाम। इमारतों के नाम में कुछ उदाहरण है, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार। फिर से, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, ठीक है बच्चों। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो आज का हमारा विषय है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।